गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय सेल्फ देवेंद्र कुमार जी के साथ कई लोग आए जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस ऐसे शेयर किया कि आपकी तो बड़ी अच्छी नौकरी है और हमें तो हमारा फेस है ना, हमारी आवाज है, मीडिया के अंदर कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा तो अच्छी खबर अच्छे तरह से अभी डेपुटेशन पे इस ऑफिस में हूँ। तो मैंने बहुत सारे सेशन मेडिटेशन के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में और दूसरी मिनिस्ट्री में आपको ये पता है, स्पेशली मेरी जो हमारे जो कोरेस्पोंडेंट्स होते हैं उनको बड़ी दिक्कतें होती है। तो कल रात को 11 बजे हमने डिसाइड किया, हमारे मित्र दिल्ली से आए, कहीं से हमने सीखा है और उसका हमने फायदा उठाया है। एक्चुअली आप सबको एक चीज कि 2014 में मेरे को ब्रेन ट्यूमर मतलब हुआ था, व्हाट्सएप पे आज गोल्ड 10 किलो देते वो आपको ये खाएंगे। थोड़ा सा आपको बताएंगे, आप पब्लिक को भी बताएंगे, इसको इसमें कोई धर्म या किसी कम्युनिटी का कोई मतलब नहीं है, एक साइंटिफिक वे है जिसमें जैसे हम मंदिर में या मस्जिद में बैठते हैं, फिजिकली हम बैठे हैं लेकिन मन हमारा घूम रहा है बाजार में घर में, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो जो भी हम चाहे ऑफिस में बैठे हैं चाहे घर में बैठे हैं लेकिन मन हमारा कहीं और होता है, तो मन जब इधर उधर होता है कई बार डिस्टर्बेंस इतना हो जाती है कि किसी जगह पे हम बैठे मारते हैं बाहर मन को कैसे कंसंट्रेट करें, वो तो हम कर रहे हैं समाज के लिए। और जब हम अपने से बेस पूरी तरह से फिट रहेंगे स्ट्रांग रहेंगे तो हम कोई भी काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दिमाग में आया कि हमारे एक फ्रेंड दिल्ली से आए थे, हमने बहुत जगह मेडिटेशन ये प्रोग्राम किए हैं, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो मैंने हमारे मित्र हमें हैं हारून जी, उनको मैंने रात को 11 बजे बुलाया कि मैं सारे मीडिया कुछ लोग मीडिया के मेरे पास आए, बहुत सारे लोग, जैसे हमने एक हज वाला वो किया था ड्राइव किया था तो आप में से बहुत सारे लोग हमारे पास आए थे, उनमें से फिर बाद में कई सारे इंटरव्यू हुए थे, उनका हमारे इतना स्ट्रेस रहता है कि हमें पॉलिटिकल रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव रहता है, अगर सच बोलते हैं तो हमारे खिलाफ़ में वो एक्शन हो जाते हैं, और जैसे आपने अभी बोला कि केस दर्ज हो जाते हैं जेल में पहुंच जाते हैं, तो देखिए वो एक अलग रीजन है, लेकिन मैं ये चाहता था इस स्ट्रेस को है ना, और इसको हम मैनेज कैसे कर पाएँ, ये मैंने अपने आप में किया है सेल्फ मैनेज रियलाइजेशन मेरा है ये, इसलिए मैं चाहता था कि मैंने अपने स्ट्रेस को भी हम ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक तरीका बताएं, और इस चीज़ को मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि इसी मेडिटेशन से मैंने अपने कैंसर को मैं डिफीट किया है। थर्ड ग्रेड का मेरा कैंसर था 2014 में, डॉक्टरों ने एक साल के लिए मुझे बोला था कि एक साल से ज़्यादा आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसी मेडिटेशन से मैं आज आपके सामने बैठा हुआ। और जो आपने बोला कि इतना स्ट्रेस हमारे ये होता है उसको करने के लिए, मैं पॉलिटिक्स या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ कि उनका क्या आपके न्यूज़ पे क्या उनका इफ़ेक्ट पड़ता है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हम अपने स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज कर सकें, ठीक है ना, हम अपने आप को कैसे, अगर हमारा मेंटल और फिजिकल हेल्थ अगर ठीक रहेगा तभी हम कुछ काम कर सकते हैं अच्छे तरीके से अपने फील्ड में जो भी हैं, है ना। हमारे ये भारत रत्न जी जर्नलिज्म दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में मास्टर्स करके पूरा जीवन इन्होंने सरेंडर कर दिया इस मेडिटेशन के लिए, और आज तक में हिंदुस्तान टाइम्स में काम करने के बाद छोड़ दिया सारा कुछ, आप ही के फील्ड से हैं ये, इसलिए मैंने ये आए थे हमसे मिलने के लिए, तो मैंने कहा आपको मीडिया से ही सबसे पहले मिलाना है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, आप सब फ्री होके ईमानदारी से अपना पत्रकारिता करें, है ना, कोई किसी ट्राइब का मतलब प्रेशर ना ले, आपके प्रेशर से आपका